बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की खबरें आईं। इसमें 6 लोगों की मौत हुई। कथित तौर पर इस हिंसा की शुरुआत एक तस्वीर से हुई जिसमें एक पूजा के मंडप में कुरान रखी हुई दिखती है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के वायरल होने के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। हिंसा के वीडियोस के बीच बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल नाम के एक ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो रंगपुर का बताकर ट्वीट किया। इस वीडियो को लेखक आनंद रंगनाथन ने भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। ऑप इंडिया ने बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल के इस ट्वीट को लेकर एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल में उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रही आग एक मंदिर में लगी थी और ये आग इस्लामवादियों ने लगाई थी। ऑप इंडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक इस हमले में मंदिर परिसर के भीतर रखी मूर्तियां भी जल गई थी। जिस हैंडल के हवाले से ये वीडियो आया उसने अपने बायो में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ऑल्ट न्यूज की पड़ताल में मालूम चला कि ये वीडियो बांग्लादेश में हो रही हिंसा का नहीं बल्कि भारत के त्रिपुरा का है। त्रिपुरा के कुछ स्थानीय न्यूज चैनल्स ने इस घटना पर रिपोर्ट पब्लिश की थी। ये घटना 13 अक्टूबर की थी जब अष्टमी के दिन सुबह 3:30 बजे आग लग गई थी जिसमें दुर्गा की मूर्ति वाला पंडाल और इलाके की कुछ दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का यह मानना था कि एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। आप देख सकते हैं कि जले हुए पंडाल की तस्वीर वीडियो में दिख रहे पंडाल से मेल खाती है। अब बात करते हैं बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल नाम के इस वेरिफाइड ट्विटर हैंडल की जो इस फर्जी दावे की जड़ है। असल में ये एक फर्जी हैंडल है जो फिलहाल डीएक्टिवेट कर दिया गया है। 16 जुलाई 2021 को बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के फेसबुक पेज ने पोस्ट किया था कि ट्विटर हैंडल @unitycouncil_IBD एक फर्जी अकाउंट है। इसका एकता परिषद से कोई संबंध नहीं है। हमें मालूम चला कि इसका हैंडल नेम पहले @hinduarmiesunity था। यानी जिस वीडियो को बांग्लादेश के रंगपुर का बताया जा रहा था वो त्रिपुरा के एक बाजार में लगी आग का था।